सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो भी डीडी पटवारी एग्ज़ाम चल रहा है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये 6 नवंबर का है, सेकंड शिफ्ट का, और इसमें लगभग काफ़ी क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें सारे। आपको ओवरऑल रिव्यू मिल जाएगा कि कैसा पेपर आया था। जैसे क्वेश्चन था कि पहला लेबर मिनिस्टर कौन है, ठीक है, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। फिर थीम देखिए, इस बार इसमें थीम भी पूछा कि थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। वंदना कटारिया किस गेम से, कौन सा गेम खेलती हैं, वंदना कटारिया रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। नमेरा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, नमेरा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है। लोन टू MSME बाई विच ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई, किस ऑर्गेनाइजेशन ने MSME को लोन दिया था, ठीक है, जुलाई में, ठीक, MSME में। टॉम्ब ऑफ इतमुदे इतमुदेल दौला कहाँ पर है, ठीक है। केनरी रॉजर जो अभी हाल ही में जिनका हुआ निधन, वो क्या खेलते थे, मतलब सॉरी वो किससे, मतलब उनका क्या था, क्या प्रोफेशन था बेसिकली, क्या, ठीक है, उनका प्रोफेशन था। चलिए, माइंड रोलिंग मोनास्ट्री ये कहाँ पर है, ठीक है। फिर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है। फिर जनानी झूमर डांस कहाँ का है, फंक्शन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। एक क्वेश्चन था बिगेस्ट अमंग किंगडम क्लास ऑर्डर, किंगडम क्लास ऑर्डर और फाइलम इन कैटेगरीज ऑफ एनिमल, इसमें से बिगेस्ट अमंग कौन, इसमें से बड़ा कौन है ना। फिर है एक क्वेश्चन है कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक किसने लिखा है, ठीक है, ये बुक किसने लिखा है, ठीक। अब देख लीजिए हिंदी में कैसे कैसे सवाल आए थे। हिंदी में सवाल आए थे वही लगभग जो जैसे सारे शिफ्ट में आ रहे हैं, हिंदी में वैसे आ रहे थे। समास इसमें भी आया, संधि आया था, वाक्य शुद्ध करने वाला आया था, अब्रू शब्द कहाँ से लिया गया, एक ही क्वेश्चन था, तुर्की से, फारसी शब्द है, अरबी शब्द कहाँ से लिया गया, मुहावरे भी पूछा गया था, उपसर्ग भी आया था। ये आपको सारे शिफ्ट में मिल रहे हैं, ये आपको सारे शिफ्ट में ऐसे ही मिल रहे हैं, तो आपको देख लेना है, ठीक है। रीजनिंग भी सेम पैटर्न आ रहा था जैसे सारे एग्जाम में आ रहा, वैसे इसमें भी आया था। चाइनीज कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड डिलीशन, अल्फ़ाबेट कोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, मिरर इमेज, एम्बेडेड इमेज, ये आपको सारे एग्जाम में मिल रहा है, सारे शिफ्ट में इसमें पेपर आ रहे हैं सेम पैटर्न पे, ठीक है। कंप्यूटर में देख लीजिए, एक्सेल पे क्वेश्चन आया था, आईटी एक्ट से क्वेश्चन था, कंप्यूटर कोर्स सोर्स कोड पे क्वेश्चन था, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे क्वेश्चन था, ठीक है। स्लाइड शो ऑप्शन, ये पावर पॉइंट है, तो बेसिकली आपको कंप्यूटर में वर्ड वर्ड और एक्सेल, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये तो आपको ज़रूर से करना है, और ख़ासकर इसमें शॉर्टकट की, ये तो आपको एकदम ज़रूर से पढ़ के जाइए, ठीक है। अब आते हैं मैथ में, मैथ में क्वेश्चंस भी हैं कुछ, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए SI से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से था, LCM SCF से आपके दो क्वेश्चन आए थे, एक एडवांस में दो क्वेश्चन था, सर्कल का सर्कमफेरेंस बताना था, इसमें कुछ एंगल दिया हुआ था, ठीक है, तब बताना था, और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था कि LCM एंड SCF दिया हुआ था किसी का, तो उसका सम बताना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था लिस्ट मल्टीपल ऑफ 17 व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 15, 17 गिवन, ये रिमाइंडर था, ठीक है, उसका हमको क्या बताना था, लिस्ट मल्टीपल। चलिए ऑप्शन से तो आराम से हो जाता है, वैसे ऐसे भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था एलसीएम ऑफ अ नंबर इज एक्स, फाइंड द स्मॉलर नंबर, ये एग्जैक्टली जब क्वेश्चन पता चलता तब क्लियर हो पाता, मतलब जब एग्जैक्टली जब पूरा क्वेश्चन आता तो किस नंबर है, तो वो नंबर बताना था, ठीक है। और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, उसी का पूछा क्या था, सर्कमफ्रेंस पूछा था, एक क्वेश्चन ये था। सिंगल डिस्काउंट बताना था, जबकि टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था, एक 10 का, एक 7.5% का, तो इसी का वो क्या बताना था, सिंगल डिस्काउंट चाहे इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहे सक्सेसिव डिस्काउंट, ये फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा सवाल आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल गिवन दिया हुआ है, आपको SI निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सवाल था, प्रिंसिपल गिवन है और SI निकालना है ना। और एक क्वेश्चन था
कि प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, SI गिवन है, तो फाइंड आउट CI द टोटल सम, CI बताना था, उसके बाद फिर इसका इंटरेस्ट बताना था कि उसका इंटरेस्ट क्या था, ठीक है। तो लगभग देखिए हम लोग ये इस सेकंड शिफ्ट का लगभग सारे एरिया हम लोग ने कवर किया, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो करंट अफेयर कम से आपको 5 से 6 महीने तो आराम से करके जाइए और हर फील्ड पे जाइए, क्योंकि कहीं से भी पूछ दे रहे हैं, करंट अफेयर का कोई सिर पैर नहीं रख रहे हैं, कहीं से भी पूछ दे रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर कम से कम 6 मंथ का बहुत अच्छे से करके जाइए, नहीं तो जैन से कीजिए, जैन से लेके सितंबर तक, जनवरी से लेके सितंबर तक बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक। और ये सामने बुक्स ऑथर से भी आ रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से आ जा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से कीजिए। हिंदी का सेम पैटर्न है, हिंदी का यही पैटर्न सब में आ रहा है, समास, संधि, वाक्य शुद्ध और उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, ये सारे में आ रहे हैं, पर्यायवाची, ठीक है, ये सब में आ रहा है। तो पैटर्न हिंदी का यही है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग का सेम पैटर्न चल रहा है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग का बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। कंप्यूटर में 2-3 सवाल थोड़ा अच्छे आ जा रहे हैं, 2 ही 3 आ रहे हैं, बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन है। और मैथ में भी इजी टू मॉडरेट है, पेपर इजी टू मॉडरेट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बस 90+ का टारगेट रखिए, 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 90+ का टारगेट रखिए बस, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप सोच रहे हो 110 मारो, 110 मारो ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी हो तब पता चला 110 में 20 क्वेश्चन आपके गलत ही हो गए, तो कोई मतलब नहीं उसे 110 का, 90+ ही कीजिए, 90 ही कीजिए, 91 92 कीजिए, 95 कीजिए, लेकिन एक्यूरेसी पूरी रखिए, ठीक है, एक्यूरेसी पूरी होगी, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और जिस भी दोस्त को जो क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, आपके शिफ्ट का जो भी है, आप 7318161000 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को राधे राधे, जय हिंद।